गाइस है। तो ये लॉन्गोज आया हूँ मैं अपने स्टोफिल लोकेशन पे। सो कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी, सो आज इट्स गुड, अ बिट स्लशी। सो आई फाउंड चिकन कबाब और चिकन सुलवाकी मील, सो आई टुक ऑल माई थिंग्स एंड सेटल डाउन ऑन अ टेबल एंड गोइंग फॉर द बिलिंग फर्स्ट। लेट्स ट्राई। फाइनली चेकआउट करने चलते हैं, शगन पा दिए लॉन्गोज वालों को। 11.99 का ये 13 का पड़ता था। हर चीज पे इतना टैक्स भाई साहब, क्या करें, खर्चना पड़ता है। पेड एंड आई सेड देयर्स टू मच टैक्सेस, इट्स 13.99 आफ्टर टैक्सेस। सो शी सेड यू आर इन द रॉन्ग कंट्री, यू हैव टू पे टैक्सेस अगेन अगेन। व्हेन यू बाय दिस यू पे टैक्स, व्हेन यू गेट योर पेचेक यू पे टैक्स, एंड शी इज राइट एंड शी सेड यू आर इन द रॉन्ग कंट्री व्हिच इज ट्रू। सो इट्स ओके, I understand. So let's try and check करते हैं कैसा taste है। This is chicken sticks, breast pieces, ये onions हैं, and this is fried rice. And it seems good. Chicken is tender. फर्स्ट बाइट, पहली बार जिमी द ग्रीक से खाया मैंने, वो अच्छा है। मैं बोल के आया उनको कि जिमी द ग्रीक की क्वालिटी भी ज़्यादा है, टेस्ट भी अच्छा है, एंड दिस इज लेस क्वांटिटी, बट दिस इज फॉर एक्सपीरियंस। इट्स अ ड्राई, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी, फर्स्ट बाइट। सो व्हाट वी शुड डू दैट इज आई हैव सेपरेटेड द चिकन फ्रॉम द स्क्यूअर्स ताकि अच्छे से खाने में, एंड दिस ब्रेस्ट पीसेस जो कि मैंने देखा है दे आर फ्रेशली मेड हेयर, क्योंकि हमने जब उनके मीट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे उनकी ये अकेले दो स्क्यूअर्स $7 to $8 के लगाए होते हैं उन्होंने, मैरिनेटेड अनकुक्ड। सो दिस इज़ फ्रेशली मेड, ये हमें पता है क्योंकि हमने मैरिनेशन देखी है यहाँ के, होती भी पैक्ड होके, तो ये यहाँ के इन हाउस होंगे। It's good. Chicken is so soft. Potato bhi try karte hain. Chicken, potato, bahut achhe flavors aa rahe hain. Olives ka flavor aa raha hai sabse achha, kyunki olives bhi inke yahan pe fresh hote hain, thode oily hain. बहुत बढ़िया, क्वालिटी कम है, सैलड की कमी है, अल्टीमेट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। यम, इट्स कैप्सिकम फ्राइड राइस टाइप है, थोड़ा सा ऑयली है अगर आप देख रहे हो, ऑलिव्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है।